मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 5 और 6 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छतरपुर जिले के 8 विकास खंडों में कुल 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एमके कोटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुल 72 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री वितरित करने की प्रक्रिया को 1 फरवरी से शुरू की गई है, जिसमें 1 तारीख को 58 परीक्षा केंद्रों पर सामग्री भेजी गई है, तो वहीं शेष परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार 2 फरवरी को परीक्षा सामग्री वितरित की गई। इसी के साथ शिक्षा अधिकारी कोटारिया ने बताया कि परीक्षा सामग्री को परीक्षा केंद्रों के अंतर्गत आने वाले संबंधित पुलिस थानों में रखा जाएगा, जहां से परीक्षा दिनांक को मंडल के निर्देश अनुसार कलेक्टर प्रतिनिधि और संबंधित केंद्र अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको लेकर छतरपुर जिले में भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सके। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है कि 5 और 6 तारीख से हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं होंगी। हमारे जिले में कुल 8 विकास खंडों में 72 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में सामग्री वितरण कल 1 तारीख को 58 केंद्रों की गई और आज जो है शेष बचे 14 परीक्षा केंद्रों की सामग्री वितरित कर दी गई है। सामग्री जो गई है वो यहाँ से सील बॉक्सों में जो है गई है और ये संबंधित थानों में जहाँ पर परीक्षा केंद्र है वो थानों पर रखी जाएगी।